दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कि आप कोट्स कैसे लिख सकते हो अपने फोटो के ऊपर। कोट्स आप अक्सर व्हाट्सएप स्टेटस में या फिर इंस्टाग्राम पे स्टोरी पे या फिर फेसबुक पे आप देखे हो, बहुत से लोग कोट्स पोस्ट करते हैं, इवन आप खुद भी कोट्स कभी ना कभी पोस्ट किए होंगे। तो दोस्तों आज मैं आपको सिखाऊंगा कि आप कोट्स कैसे लिख सकते हो, वो भी अपने फोटो के ऊपर। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग एंड काफ़ी कूल कॉन्सेप्ट है, इसको आप पूरा ज़रूर देखते रहो, शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देख लेना। और दोस्तों वीडियो को हमेशा की तरह लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों चलिए, हम तो रोज़ फोटो एडिटिंग तो सीखते ही है, तो आज कुछ अलग ही सीख लेते हैं। तो दोस्तों ये कोट्स लिखने के लिए सबसे पहले तो आपको अपना एक फ़ोटो सिलेक्ट करना होगा जिस फोटो के ऊपर आप कोट्स लिखना चाहते हो। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये जो फोटो है, इस फोटो के ऊपर आज मैं कोट्स लिखूंगा। तो यहाँ पे मैं इस फोटो को शेयर करके पिक्सआर्ट ऐप में ओपन करता हूँ। तो गाइस पिक्सआर्ट ऐप में ओपन करने के बाद सबसे पहले मैं इस फोटो को थोड़ा सा क्रॉप कर लेता हूँ टूल्स में आके, फिर इसको 1:1 रेजोल्यूशन में स्क्वायर में इसको क्रॉप कर लेता हूँ। सुपर दोस्तों आप यहाँ पे जाओ ऐड फोटो में, फिर आप अपना कोई सा भी फोटो चूज़ कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं अपना यही फ़ोटो चूज़ कर लेता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे आपको आना है इफेक्ट्स के अंदर, फिर आप नीचे चले आओ, यहाँ पे कलर प्लेट्स के अंदर आपका इफेक्ट्स पैनल सिलेक्ट रहेगा, कलर प्लेट्स के अंदर चले आओ, फिर चूज़ करो ब्लैक एंड वाइट, सेटिंग को ओपन करके अमाउंट को जीरो कर देना, फिर इसको ओके कर लेना। ठीक है, देखो हमें यहाँ पे ब्लैक बैकग्राउंड मिल चुका है। अगर आपके पास ब्लैक बैकग्राउंड पहले से है तो बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे क्या करना, इसका साइज़ को आप बड़ा कर लो, फिर ओपासिटी को आप यहाँ पे डाउन करो, ओपासिटी को आप रखो आई गेस 60 सही रहेगा, 67, थोड़ा सा और डाउन करता हूँ। यप चलो इसको डाउन करता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे हमें टेक्स्ट ऐड करना होगा। टेक्स्ट ऐड करने के लिए यहाँ पे मैं टेक्स्ट टूल पे आऊँगा, फिर दोस्तों यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट यहाँ पे कॉपी करके रखा हूँ, इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ, फिर डन कर देता हूँ। दोस्तों अगर आपके पास कोर्स नहीं है कि क्या कोर्स लिखूँ आपने फोटो के ऊपर, तो आपको जिस कोर्स मतलब जिस टॉपिक के ऊपर कोर्स चाहिए, यहाँ पे मैंने फोटोग्राफी के ऊपर सर्च किया था गूगल पे कि फोटोग्राफी कोर्स, वहाँ पे मुझे ये सारा इसमें से जितने सारे कोर्स मिला था, मुझे ये कोर्स सबसे ज़्यादा पसंद आया, इसलिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। तो आप भी गूगल कर लेना आपको जो भी कोर्स चाहिए। ठीक है, इसको मैं डन करता हूँ। डन करने के बाद दोस्तों आपका पहले से ये सारे फॉन्ट सिलेक्टेड रहेगा। अब यहाँ पे क्या करना, इस आइकन के ऊपर क्लिक करना, फिर यहाँ पे माय फॉन्ट्स पे चला आना, फिर यहाँ पे चूज़ करना बिसन बोल्ड। बिसन बोल्ड को चूज़ करने के बाद आप यहाँ पे पहले साइज़ को बड़ा कर लो, फिर ये जो आइकन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है इसको आप कम करो, धीरे धीरे कम करो। देखो आपको मतलब जिस पोजिशन में चाहिए उस पोजिशन में आप कम करके इसको रख दो। जैसे मुझे ये सबसे बढ़िया लग रहा है, एंड इसको मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ एंड थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ। ये बीच में रखना सबसे बेहतर होता है, लेकिन यहाँ पे मैं कैमरा को यहाँ पे एक्चुअली हिडन नहीं करना चाहता, इसलिए मैं थोड़ा सा नीचे रख रहा हूँ। ठीक है, अब दोस्तों मुझे पता है कि आप मुझे ये सवाल ज़रूर पूछोगे कि मुझे ये फॉन्ट कहाँ से मिला, क्योंकि पिक्सआर्ट के अंदर ये सारा फॉन्ट्स अवेलेबल नहीं होता। तो यहाँ पे मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आ चुका हूँ मेरे फाइल मैनेजर के अंदर, फिर मैं यहाँ पे आता हूँ मेरे डाउनलोड फाइल में। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो दो TTF फॉन्ट यहाँ पे आपको मतलब जो फाइल आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इन फाइल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, वीडियो के एंड में डाउनलोड कर लेना आप। इन दो को डाउनलोड करने के बाद आपका जहाँ पे लोकेशन है, डाउनलोड लोकेशन से आप इसको कॉपी या फिर कट कुछ भी कर लो, फिर फोन स्टोरेज में आओ। फोन स्टोरेज में आने के बाद आप यहाँ पे पिक्सआर्ट फोल्डर को चूज़ करो, देन फॉन्ट्स के अंदर आप इसको पेस्ट कर दो। यहाँ पे मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ, मेरे पहले से है, फिर पिक्सआर्ट में आता हूँ। अब दोस्तों आप टेक्स्ट में चले आओ, टेक्स्ट में आने के बाद आपका माय फॉन्ट्स में वो रहेगा। तो दोस्तों यहाँ तक तो हुआ। अब दोस्तों कोर्स के नीचे क्या होता है, कोर्स के नीचे एक मतलब अपना जो पेज होता है, अगर आप फेसबुक पेज चलाते हो, इंस्टाग्राम पे आपका कोई आईडी है, तो हर कोई अपना एक टैग वहाँ पे रखता ही है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अपना नाम का टैग रखूँगा। तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट में दोबारा आता हूँ एंड यहाँ पे मैं अपने चैनल का नाम रख देता हूँ SC एडिशन, फिर डन कर लेता हूँ। अब दोनों टेक्स्ट अगर आप सेम फॉन्ट में रखोगे तो अच्छा नहीं रहेगा ना, राइट? तो आप यहाँ पे इस आइकन के ऊपर क्लिक करके माय फॉन्ट्स में दोबारा चले आना, यहाँ पे चूज़ कर लेना गौतम बोल्ड, वो सेकेंड वाला जो फॉन्ट था। और उसके बाद दोस्तों आप इसका साइज़ को थोड़ा सा छोटा कर लो। चलो ये काफ़ी ज़्यादा सही लग रहा है, इसको मैं डन कर लेता हूँ। बहुत ही बढ़िया।
अब दोस्तों यहाँ पे हमें एक लास्ट अपना लोगो ऐड करना होगा, क्योंकि लोगो के बिना तो कोई फोटो जमेगा नहीं, मतलब सूटेबल नहीं होगा। तो यहाँ पे ऐड फोटो में जाके अपना लोगो जो है उसको मैं ले लेता हूँ। उसके बाद इसको मैं ऊपर एक कोने में इसको सेट कर दूंगा। तो देखो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है। तो आई होप दोस्तों आपको मालूम चल गया होगा कि आप कैसे कोट्स लिख सकते हो। अब आपको अगर फोटो को सेव करना नहीं आता तो आप ड्रॉ टूल के अंदर चले आओ, फिर यहाँ से आप इसको सेव इमेज कर दो। तो दोस्तों आपको आज का ये आज का ये फोटो एडिटिंग का टिप कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड आप चाहो तो अपना एक ऐसा फ़ोटो एडिटिंग करके मतलब कोट्स टाइप करके मुझे इंस्टाग्राम पे टैग ज़रूर करना, ठीक है? मैं देखूंगा आप कितना बढ़िया कर रहे हो। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑल में प्रेस कर लेना। तो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और मैं मिलता हूँ अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय एंड कीप क्रिएटिंग।